देश की राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश देश का वह राज्य है जहां 80 लोकसभा सीटें और जो पार्टी उत्तर प्रदेश को जीतती है वह दिल्ली की सत्ता में काबिज होती है। पूर्वांचल में हमेशा से बाहुबलियों का बोलबाला रहा है, यही कारण है कि पूर्वांचल की 21 लोकसभा सीटों पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। पूर्वांचल की सियासत में हमेशा से बाहुबलियों का बोलबाला रहा है। इस बार फिर लोकसभा चुनाव में बाहुबली धनंजय सिंह और राजा भैया की खूब चर्चा है। इसके साथ ही बाहुबली ब्रजेश सिंह भी सियासी गलियारों में चर्चा के केंद्र में है। वहीं लोकसभा चुनाव के ठीक समय माफिया मुख्तार अंसारी की मौत का असर भी चुनावी फिजा में साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। दरअसल पूर्वांचल की राजनीति तो इस बार धनंजय सिंह, राजा भैया, ब्रजेश सिंह के साथ अभय सिंह जैसे बाहुबलियों के आसपास घूम रही है। धनंजय सिंह ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के समर्थन में खुला ऐलान कर दिया है कि धनंजय सिंह के बाद केवल जौनपुर में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल जाएंगे। धनंजय सिंह के भाजपा के समर्थन में आने से जौनपुर में भाजपा उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह की राह आसान हो गई है। गौरतलब है कि जौनपुर लोकसभा सीट से धनंजय की पत्नी बसपा उम्मीदवार थी, लेकिन ठीक चुनाव के समय धनंजय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी पत्नी ने ऐन वक्त पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। धनंजय सिंह के समर्थन से पूर्वांचल की कई सीटों पर भी भाजपा की राह आसान होती दिखाई दे रही है। ठाकुर वोटर्स जो लोकसभा चुनाव में भाजपा से नाराज चल रहा था उसको मनाने की जिम्मेदारी अब खुद ठाकुर बिरादरी से आने वाले धनंजय सिंह के कंधों पर है। वहीं पूर्वांचल से दूसरे बड़े बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का फैसला काफी चौंकाने वाला रहा है। राजा भैया ने ऐन वक्त पर अपने समर्थकों को अपने पसंद के उम्मीदवार का सपोर्ट करने की खुली छूट दे दी है। लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए प्रतापगढ़ के कुंडा में अपने घर पर उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक बुलाई और बैठक में उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि समर्थक जैसा चाहे वैसा करें। राजा भैया का यह फैसला भाजपा के लिए झटका माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले राजा भैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। पूर्वांचल के सियासत में हमेशा से जातिगत समीकरण हावी रहते हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ी जातियों वाले पूर्वांचल इलाके में राजभर, निषाद और चौहान जातियां निर्णायक स्थिति में हैं। यही कारण है कि भाजपा ने पीएम मोदी के नामांकन में अलग अलग जातियों से जुड़े लोगों को प्रस्तावक बनाकर जातिगत राजनीति को साधने की कोशिश की है।